संविधान में बोली नई जिम्मेदारी, मेरे लिए सौभाग्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के पेच में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी अटक गईं। इससे अभ्यर्थी तो परेशान हैं ही, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि इस परेशानी की वजह कौन है। आज भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी गई है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के उपलब्ध नहीं होने पर अगली तारीख मांग ली गई, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अब इस पर 1 अगस्त से अंतिम सुनवाई होगी। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मध्य प्रदेश के वो युवा हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके भविष्य में मिलने वाली उनकी नौकरियां ओबीसी आरक्षण के इस पेच में किसने उलझा दी है। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या कोर्ट के फैसले इसकी वजह हैं, या फिर एमपीएससी ने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया उस ऑर्डर का जो कि कोर्ट ने किसी एक खास परीक्षा के लिए दिया था। अब आखिर जिम्मेदार कौन है और कौन लेगा जिम्मेदारी, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ओबीसी का पक्ष रखने वाले वकील रामेश्वर ठाकुर ने क्या कहा है और क्या उन्हें कोर्ट से उम्मीद है, यह सुनना जरूरी है। निर्धारित करता हूं और 3:30 बजे इसकी डे टू डे हम फिक्स सुनवाई करेंगे। कुल 63 प्रकरण हैं, जिसमें लगभग 27 प्रकरण ओबीसी आरक्षण के विरोध में हैं और शेष प्रकरण ओबीसी के जो चयनित शिक्षक हैं उनकी ओर से दायर की गए हैं और 2 याचिकाएं इसमें ईडब्ल्यूएस को चैलेंज करने वाली हैं। इस प्रकार टोटल 63 प्रकरण आज माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए नियत थे। उधर अभ्यर्थियों का क्या कहना है ये भी जानना जरूरी है, ये भी सुनिए। कि पहले भी अभी तक जो भर्तियां हो रही थी वो 14% से ही हो रही थी और माननीय उच्च न्यायालय का भी यही आदेश है कि 14% से ही की जाएं, तो भर्तियां कर लेनी चाहिए 14% से, ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके। क्योंकि इसकी वजह से 2019 जो रुका हुआ है तो उससे 2020 और 21 भी अफेक्ट होगा और जो विद्यार्थी हैं वो परेशान होंगे, तो जल्दी भर्तियाँ की जानी चाहिए। और इधर बीजेपी और कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। ये देखिए किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। उच्च न्यायालय का ये कहना है कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक न चलाएं, उन्होंने पीएससी को कभी भी नहीं रोका, लेकिन पीएससी के फैसले की आड़ में तो सरकार ने कितने सारे एग्जाम्स पर और कितने सारी जगह पर इस सब की रोक लगा दी। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा नहीं थी और ये फैसले के कंधे पर बंदूक रखकर जो है ये ओबीसी का अहित करना चाहते थे। कांग्रेस, वो कांग्रेस आरोप लगा रही है जिसने अपने नेताओं को, विवेक तनखा जी को, मोहम्मद जाफर को, ठाकुर को, अनेक लोगों को इन्होंने चुनाव रोकने के लिए अदालत में लोग खड़े किए। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने थे तब कमलनाथ जी ने एक ये शगुफा छोड़ा था और फिर उसको जैसे ही चुनाव हारे उन्होंने इसको ओबीसी को एक ठंडे बस्ते में पटक दिया। अगर ओबीसी का अगर कोई हितेशी है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सियासत हो रही है और दोनों एक दूसरे को ओबीसी का जिम्मेदार बता रहे हैं उनके हकों को मारने का। अब क्या है सवाल, हम आपको सवाल दिखाते हैं। News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल देखिए। कोर्ट ने एमपीपीएससी को फटकार लगाई, क्या जानबूझकर नियुक्तियां अटकाई? कोर्ट के कंधे पर कौन रख रखा है बंदूक? युवाओं के भविष्य के साथ ये कैसा सुलूक? युवाओं को शक है किसकी नियत पर, क्यों लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के चक्कर? एमपी में ओबीसी आरक्षण पर कंफ्यूजन अपार, सरकार, कोर्ट या एमपीपीएससी, आखिर कौन है जिम्मेदार? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं, उन मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, मीडिया उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है सर News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत मैं आपको वेलकम करता हूं रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, जो लगातार ओबीसी के लिए वहां पर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज दिनेश चौहान अध्यक्ष बेरोजगार संघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमेशा लाखों करोड़ों युवाओं की बात उठाते रहे हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आज दिनेश जी आपके पास आता हूं, मुझे ये बताइए कि जब भी हम बात करते हैं युवाओं की और ओबीसी आरक्षण के चलते नियुक्ति अटक रही है उसकी, तो समझ नहीं आता, कोर्ट कहती है कि हमारे कंधे पर बंदूक मत रखिए, ये जो टिप्पणी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस का किया कराया है, कांग्रेस कह रहे हैं हम तो 1.5-2 साल से बाहर बैठे हैं, अगर हमारा किया था तो आपने सुधार क्यों नहीं लिया। आखिर कौन आपको असली विलेन नजर आता है इन सब चीजों के पीछे, और क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द न्याय मिल पाएगा युवाओं को? दिनेश जी, दिनेश चौहान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत है कोई। मैं पहले गोविंद मालू जी के पास आ जाता हूं। गोविंद मालू जी, मुझे ये बताइए सर, कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप हमारे कंधे पर बंदूक मत रखिए, क्या ये टिप्पणी ठीक है एमपीपीएससी के लिए, और क्या सरकार को मॉनिटरिंग नहीं करना चाहिए कि कोर्ट के किसी फैसले को गलत इंटरप्रिटेट करें? कोर्ट ने यह कहा था कि आप जो बढ़ा रहे हैं, जो आपने एक्सटेंशन दिया है रिजर्वेशन में, उस पर यह स्टे है, और पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया, और फिर कोर्ट में जाकर गुहार लगाई गई कि हम आपके कारण नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने तो 14% के लिए आपको कभी रोका ही नहीं। तो ये तकनीकी अगर कोई खामी है, कोई कंफ्यूजन है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभिलाष जी, आपने जैसा बताया कि कोर्ट ने कहा कि 14% के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारा उद्देश्य 27% आरक्षण का लाभ दिलाना है, ठीक है, जो कि कमलनाथ सरकार की लापरवाही से, या कह लीजिए कि उनके वितंडावाद से और ये उनके षड्यंत्र से वो रुक गया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में बराबर पैरवी नहीं की, इसलिए स्टे मिल गया। हम चाहते हैं कि यदि 27% आरक्षण नहीं मिला तो जो हक मारा जाएगा, इसलिए इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं है, हम 27% देना चाहते हैं, उनका 14 दे दो और बाकी का क्या करेंगे, फिर वो लोग आपत्ति लेंगे जब 27 हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी सुनवाई की बात की, और हम बराबर उसके पक्ष में हैं कि जल्दी सुनवाई होकर इस प्रकरण का निराकरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे यहाँ हो, मेडिकल शिक्षा में आरक्षण दे दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश में जहाँ पर स्टे था उसके अलावा आरक्षण दे दिया, हमारी नीयत साफ है, कांग्रेस की नीयत में खोट है, क्योंकि वो पिछले दरवाजे से अपने वकीलों को भेज देते हैं और कहते हैं कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, चुनाव हो तो आरक्षण के लिए अपने वकील, अपने पार्टी के प्रवक्ता को पिछले दरवाजे से वकील के रूप में खड़ा करते हैं और उसको रुकवा देते हैं, ये कांग्रेस का किया धरा है। हम 27% आरक्षण, गोविंद मालू जी, जितना मेरे पास जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कर दीजिएगा, मुझे ये जानकारी मिली है कि कोर्ट, आप कह रहे हैं आप जल्द से जल्द नियुक्ति देना चाहते हैं 27%, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि कोर्ट में पिछले 2-3 पेशियों से आप ही कह रहे हैं कि थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब के पास, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के पास समय नहीं है। क्या ये सही बात है कि बार बार वक्त की मांग आप ही कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कोर्ट से कि इसे और ज़्यादा थोड़ा 1 महीने बाद दीजिए, अभी नहीं हो पाएगी सुनवाई, और इस बार कोर्ट ने डांट भी लगाई है कि आप क्यों खींच रहे हैं इस मामले को, युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है? कुछ व्यस्तताएं होंगी, इसलिए एक बार समय का बोला होगा, लेकिन हम इसको विलंबित नहीं करना चाहते, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि 1 तारीख से हम सुनवाई करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो, क्योंकि हमारी मंशा ठीक नहीं होती तो हम बाकी जगह 27% आरक्षण क्यों देते हैं। ठीक है, सवाल ये है। ठीक है गोविंद जी, मैं आऊंगा सर आपके पास। मेरे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, मुझे जरा ये बताइए कि कांग्रेस के ऊपर ये पूरा मामला आया था जब कहा गया कि आपकी वजह से ओबीसी आरक्षण अटक गया, अब तो कांग्रेस जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सीन में नहीं है, लेकिन गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि आप बैकडोर से अपने वकीलों को भेज देते हैं ओबीसी के हितों को कुटाराघात करने के लिए, सही बात है क्या ये? कि कौन से फैसले की बात कहां पर करना है, कि पंचायत चुनाव को मिक्स कर रहे हैं परीक्षाओं से, परीक्षाओं का जब फैसला आया था तब जो है माननीय उच्च न्यायालय ने एक पर्टिकुलर परीक्षा के संबंध में फैसला दिया था, किसका वकील था जो ये कह रहा था कि साहब उसको जो है फैसले की समझ 18 महीने बाद आई,
और इसलिए इन्होंने फिर जो है आरक्षण की व्यवस्था की। तुम्हारे वकील ने तो लिखित में कहा कि मैं वो फैसले को समझ नहीं पाया, इसलिए जो है हमने कुछ का कुछ बता दिया था। ये तो आपके कौरव साहब ने लिख के दिया है, सरकार को लिख कर दिया, लेकिन इन्हें शर्म थोड़ी आएगी मालूम साहब को कि जो है इस बात को जो है इस बात का भी खुलासा करें यहाँ कि ऐसा वकील आपका था कि जिसको जो है फैसला समझ में नहीं आया 18 महीने तक, ये तो उसने खुद लिख के दिया है और पेपर लिख कर दिया है। तो ये जो ये कांग्रेस को कोसने के लिए सुबह से ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पापों के लिए फली के बकरे ढूंढने लगे। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, यूक्रेन का युद्ध जिम्मेवार है, कल तक नेहरू जी जिम्मेवार थे महंगाई के लिए। ये जो है ये जो जो भी कुछ कार गुजारने करते हैं, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, लूट खसोट करते हैं, सबके लिए ये बली का बकरा पहले ढूंढते हैं कि किसको मार लेना नहीं, क्योंकि जो है पाप इनके हैं और इनके पापों पर नजर ना पड़े इसलिए ये जो है ये काम करते रहते हैं। ठीक है, अभी जो है आप यूक्रेन का युद्ध हर जगह, अभी तो पीएचसी की परीक्षा में भी ये कह रहे हैं यूक्रेन के युद्ध के कारण हमको प्रॉब्लम आ रही थी पीएचसी की परीक्षा में, ये इस लेवल के लोग हैं ये तो इनके बातों का कोई औचित्य नहीं है। और इससे सिर्फ एक सवाल पूछे कि भैया आपके जो वकील साहब थे आजादी जो अब वो जो है माननीय न्यायाधीश हो गए हैं, उन्होंने स्वयं लिखकर दिया है कि उन्हें फैसला जो है 18 महीने बाद समझ में आया, तो इसलिए उन्हें 18 महीने बाद जो है एक विधि सम्मत राय दी कि नहीं साहब जो है इसको रिवोक कर दिया जाए। ठीक है, किसके वकील थे इससे पूछे जरा। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ रामेश्वर ठाकुर जी आपके पास। सर मुझे ये बताइए कि आपके जैसा एक उम्दा वकील है जो लगातार वहां पर चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये केस रिजॉल्व हो जाए, फैसला आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना ने हमारे छात्रों को कितने छात्रों को ओवरएज कर दिया, अब उसके बाद ये लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं ये सामने आए हैं, किसे सर जिम्मेदार मानते हैं इतनी लेट लतीफी के लिए? क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि हम चाहते हैं जल्दी हो, कोर्ट खुद अपने से कह रहा है कि हम इसकी डे टू डे सुनवाई करेंगे, अब और नहीं टालेंगे, सरकार कह रही है हम चाहते हैं जल्दी हो, आप चाहते हैं जल्दी हो, बच्चे तो गुहार लगा रहे हैं जल्दी हो, फिर अटका कौन रहा है और किसकी वजह से अटक रहा है मामला? वैसे सर मैं इसमें बताना चाहूंगा कि कुछ तकनीकी खामियों के साथ साथ इसमें तीन समय तो आदरणीय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपीयर कराने के लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए। इसमें जो तारीख है 24/27/2022, 23/6/2022 और आज 25/7/2022, तो जो 1/9/2021 का माननीय न्यायालय का आदेश है कि किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा जी, 27% आरक्षण की वैलिडिटी वो फाइनली डिसाइड किया जाएगा और इस प्रकरणों को दिसंबर 6 में फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट हुए थे लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद वो प्रकरण में डीबी पन चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस हुसैन पौरव की डीबी ने रिफ्यूज किया कि ये दूसरी बेंच में लिस्ट हो, तो उसमें स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई और आज भी जो बेंच थी वो भी रेगुलर बेंच नहीं थी। ठीक है, फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये लार्जा पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको प्रायोरिटी पे डिसाइड किया जाए, तो जो तीन तारीखें ये बड़ी हुई हैं इसके कारण ये मामला मैं कह सकता हूँ कि लगभग 4 महीने डिले हुआ है बिल्कुल, और इसके कारण पीएचसी की भर्तियां पूरी रुकी हुई है और जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 29,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है जी, इसमें लगभग 5,000-6,000 बच्चे होल्ड पे रखे गए हैं जो सिलेक्टेड हैं जी, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है लेकिन अंतरिम आदेशों के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, जिससे उन बच्चों का तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे स्कूल में टीचर नहीं है उनका सीधा सीधा आर्टिकल 21A का उल्लंघन है, आज माननीय न्यायालय ने तर्क दिया गया और इसको माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लिया, क्योंकि महाधिवक्ता महोदय 22 तारीख इसको निर्धारित करवाना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से बात हुई होगी लेकिन इस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सैकड़ों ओबीसी के पिटिशनर न्यायालय कक्ष में उपस्थित थे, कोर्ट ने उस पर भी कमेंट किया कि पक्षकार है कौन है लोग।
ठीक है, उन्होंने बताया कोर्ट में रोके बताया कि साहब हम लोग ओवर एज होने वाले हैं, हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, निवेदन है कि इस प्रकरण को आज या कल डिसाइड कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय द्वारा फिर इसको 1 अगस्त के लिए 3:30 बजे रेगुलर सुनवाई के लिए आज आदेश किया गया। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। दिनेश चौहान जी, देखिए सॉलिसिटर जनरल साहब का इंतजार करते करते 3-4 महीने निकल गए। इन 3-4 महीनों में चूंकि आपके पास बहुत अच्छा डेटा है, मुझे बताइए कि कितने बच्चे मेरे ओवर एज हो गए होंगे जो भाई मेरे तैयारी के लिए कोशिश कर रहे थे, कितने एक बड़ा पहलू आज बताया देखिए रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब ने कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास टीचर नहीं है, पूरा का पूरा सेशन शुरू हो गया और वहां पर टीचर नहीं है। तो ये सब दिनेश जी क्यों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार सरकार है और सरकार किसी की भी जिम्मेदार है। 10 साल से रोस्टर समिति की बैठक नहीं हुई है, जबकि उसमें है आपको बैठक लेना है, बताना कितने पद खाली है, अंदाजे के आधार पर भर्ती निकल जाती है। 2 लाख शिक्षकों के पद खाली है, ये 20-30 हजार संविधान से भर्ती कर देते हैं, जहां पर करोड़ों की युवा खड़ा हो जिसके पास डिग्री है, नेट है, सेट है, जिसके पास सीटेट कर रखा है, उसने एमपीटेट कर रखा, उसको जो नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। आपको बता रहा हूं तो मैं, ये जो ओबीसी का मुद्दा है ये सिर्फ जानबूझ के सरकार लटका रही है। मैं आदरणीय गोविंद जी से कहना चाहता हूं, साहेब 27% के आरक्षण के आधार पर जेल पैरी 2020 की नियुक्ति हो चुकी है मात्र 226 पदों पर। वहां पर किसी ने कुछ संज्ञान नहीं लिया, ना कोर्ट ने कुछ कहा। कोर्ट ने सिर्फ पीजी की कुछ सीटों के लिए कहा था, मेडिकल की कुछ सीटों के लिए कहा था, उन्हें किसी अन्य के लिए नहीं कहा था। इस बारे में बहुत गंभीरता से देखना चाहिए था। और सबसे बड़ा मुद्दा साहब, आपने मेरे से अच्छी चीज पूछी, अभी कल सब इंजीनियर का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले कहा गया था, नोटिस आया था जिसमें 3500 से ज्यादा पद थे कि हम पद बढ़ा करके आपको नई भर्ती देंगे, उसमें तो 1000 पद खाली कर दिए गए। इसी प्रकार से नर्सिंग भर्ती 2018 की आज तक लड़के यहाँ डॉक्टर भटक रही है, कोर्ट के शरण ले रही है। पुलिस भर्ती बोले साहब की 18000 निकालेंगे, 6000 भर्तियां लटकी पड़ी हुई है, अभी उसको पूरा नहीं हो रहा, तो बाकी 12000 में SI कांस्टेबल पता नहीं क्या होगा। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती 2017 में हुई, ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती नहीं हुई है, ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 की भर्ती नहीं हुई है, संविदा भर्ती किए जा रहे हैं। और एक बात है ना कि ये लटका क्यों रहे हैं, जब चुनाव की बात आती है तो आधी रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसकी संवेदनशीलता चाहिए, अगर आप संवेदनशील है ना तो रात को 12 बजे खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। उल्टा बात आती है युवाओं की, उनको उनके साथ आप कुछ नहीं करते हैं, आप चुनाव के लिए बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं सर। इसके साथ पुलिस भर्ती हो या आप मध्यप्रदेश पटवारी की भर्ती देखिए, 9000 ज्यादा पद खाली है, अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। MPTET में फर्जीवाड़ा हुआ है, MapIT ने सरकार की गलती ने कहा है हाँ फर्जीवाड़ा हो गया है, गोविंद सिंह राजपूत जी का कॉलेज में फंसा है, लेकिन उस पर कोई अभी तक कोई कारण नहीं, उसका भी केस चल रहा है, उसका भी माननीय जो हमारे रमेश ठाकुर सर उनके पास भी ये वाला केस हो, उनके संज्ञान में चीजें हो। और लगभग आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो पिछले साल से 40 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हो चुका है, ये रजिस्टर्ड बेरोजगार की बात कर रहा हूँ, और श्रम ब्यूरो के आधार पर देखेंगे तो 1.5 करोड़ युवा रजिस्टर्ड है बेरोजगार। अब इसको कैसे भर्ती देंगे? मामा हर 3 महीने में आके कहते हैं मैं 1 लाख भर्ती करने वाला हूँ। पहली बार ऐसा हुआ पूरे भारत में कि एक मुख्यमंत्री की आवाज को, एक मुख्यमंत्री की घोषणा को लोग मजाक में समझते हैं कि मैं 1 लाख भर्ती सरकारी शुरू करने वाला हूँ, वो आज तक शुरू नहीं हुई है। ठीक है, एक मुद्दा नहीं हटता। ठीक है, ठीक है, कर सकते मुख्यमंत्री चाहे तो। ठीक है दिनेश जी, मैं आता हूँ गोविंद मालू जी, मुझे ये बताइए, देखिए बार बार कहा जा रहा है कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि इसको जल्दी निपटाइए, हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप इसे निपटाइए, और सरकार जाकर जल्दबाजी करने की बजाय कहती है कि हमें और टाइम दे दीजिए, 1 महीने बाद हम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सॉलिसिटर जनरल साहब को लाना है। इससे पहले जैसा कि बता रहे थे कांग्रेस के भूपेंद्र जी कि एक गलत इंटरप्रिटेशन के चलते सारी नियुक्तियां रोक दी गई, वो भी सरकार के खाते में चली गई गलती। तो एक तरफ सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि युवाओं को रोजगार दे सके, सब कर सके, लेकिन इस मामले पर, इस लीगल प्रोसीजर पर क्यों संवेदनशील नहीं हो रही सरकार? ऐसा तो यकीन नहीं होता, ऐसा कि सब जानते बूझते आप लोग चलने दे रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है सर ये? अभिलाष जी, जी माननीय न्यायालय का निर्णय और उसकी जितना भी वर्डिक्ट मिला है उसका सम्मान करना शासन का कर्तव्य है, तो कोई गलत फहमी नहीं है। हमारे विधि विशेषज्ञों ने परामर्श करने के बाद ही इस बारे में निर्णय लिया। जहाँ तक सॉलिसिटर जनरल का सवाल है, केंद्र के सॉलिसिटर जनरल हैं, व्यस्तताएं रहती है कई जगह पर, उनका यहाँ आना, मध्य प्रदेश की बात है तो हमने लगातार गुहार कर रहे हैं, वो आएंगे, हम उसको जल्दी निपटाएंगे। अभी कोर्ट ने भी कह दिया 1 अगस्त से लगातार सुनवाई होगी, और हम इसमें बिल्कुल, हमारा दृढ़ संकल्प भी है, हमारी कमिटमेंट भी है कि हम 27% आरक्षण दिलाकर जो नियुक्तियाँ भी होनी है उनमें भी 27% मिले, और जो नौकरियाँ हैं
उनमें भी 27% मिले, ये हमारा उद्देश्य है और हम इसीलिए मालू जी आप देखिए आपको रोका किसने सर 27% देने में? गाइडलाइन का हम सम्मान ना करें। ना सर गोविंद मालू जी मुझे बताइए कि नई नियुक्तियों में 27% आरक्षण देने में किसी ने रोका है? 14% तो दे सकते हैं ना ना कोर्ट ने कहा है। आप वही बात कर रहे हैं सर, कोर्ट ने कहा है कि जब ये स्टे चल इस पर स्टे लगा है, कोर्ट ने कहा 14% तो दीजिए बाकी का फैसला हो जाएगा, तो हम 27% देना चाहते हैं ना। अब जब कोर्ट का फैसला आएगा हम 27% सर शायद या तो मैं गलत समझ रहा हूँ इस पूरे सब्जेक्ट को, भूपेंद्र जी और बाकी मेरे तीनों लोग लीगल अगर एक्सपर्ट जानते हैं तो जरा ये बताइए कि केवल वो मामले जो विचाराधीन है इस मामले में केवल उनको लेकर के स्टे दिया है? इसके अलावा हमने सब दूर दिया है। जेल प्रहरियों को 27% आरक्षण आपने दे दिया, यही तो कह रहे हैं दिनेश सिंह चौहान जी, तब तो किसी ने नहीं रोका। आप बाकी नियुक्तियों में तो दीजिए 27%, जो मामले कोर्ट में उनमें 14% दे दीजिए और उसकी वेटिंग लिस्ट बना लीजिए ताकि अगर कोर्ट 27% के लिए ओके करता है तो बाकी लोग भी अपग्रेड हो जाएं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? क्यों भूपेंद्र जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या सरकार चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता? जनरल में से उनका क्या होगा, उनको कौन निकालेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 13% उसी तरह से मालू जी को भी जो है कोर्ट की बात समझने में 5-10 साल लग जाएंगे, क्योंकि इनकी नियत जो है बदनीयत है। ये जो है लोगों को लाभ नहीं देना चाहते हैं, आज लाखों पर खाली पड़े हैं। आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। अरे यार आप तो जो है तुम्हारी रामायण को ठीक है जो है आपकी बातें मत करो, आप ही नहीं समझ पा रहे हैं। आप क्या वकील ही खड़े नहीं कर पा रहे थे आप तो, और एक तरफा स्टे मिल गया उसमें, ये हमको क्या समझा रहे हैं आप? हमने तो लगातार इसमें जहाँ पर हमको देना चाहिए आरक्षण जिस पर ठीक है भूपेंद्र, गोविंद जी प्लीज एक मिनट, एक बार भूपेंद्र जी अपनी बात रख लें। भूपेंद्र जी थोड़ा वक्त कम है, जल्दी से आप प्लीज पॉइंट रखिए अपना। मैं आगे जाता जी, तो ये जो जानबूझ कर कमलनाथ जी की सरकार ने तो धड़ेगम घोषित की और उसको लागू करने की कोशिश की, ठीक है, तब से कमलनाथ सरकार के खिलाफ कौन गया था इनसे पूछो, ठीक है, ये बताएंगे कौन गया था? कमलनाथ सरकार खुद अपनी सरकार के खिलाफ चली गई थी, ठीक है, चलनी की बात है, ठीक है। रामेश्वर ठाकुर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है सर समय कम है, रामेश्वर सिंह ठाकुर जी मुझे बताइए सर, क्या केवल जो न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं उनके अलावा बाकी पे 27% आरक्षण दिया जा सकता है, हाँ या ना सर? दिया जा सकता है। दिनेश जी आपको लगता है कि एक बिंदु में स्पष्ट कर दूं जी कि जो मध्य प्रदेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2009 है, हाँ, जिसमें विधानसभा से 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण बहुमत के साथ पारित किया गया है जी, उसके परिवर्तन पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे नहीं है, रोक नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मीडिया में हमेशा छपता है 27% पर रोक बरकरार, ना 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 तो ठीक जो विषय है, ठीक है, विषयों में 27% का इंटरफियर किया है, ना कि आरक्षण अधिनियम के संशोधन को, ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। दिनेश चौहान जी 20 सेकंड में सर आप मुझे बताइए क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी है, क्या रास्ता निकल सकता है जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? रास्ता यह है कि व्यापम को और एनडीपीएस की दोनों को ही संवेदनशील बनाना पड़ेगा, इनको उत्तरदायित्व देना पड़ेगा, इनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं, कैलेंडर को अपडेट करें, एमपीटेट की भर्ती को क्लियर करें, सबिजन के पदों को बढ़ाएं, एसआई टीओ ग्रुपो नर्सिंग संविदा को हटा करके इनको रेगुलर करें, सब इंस्पेक्टर की भर्ती पिछले 4 से 5 सालों से इसको लाइव लेकर के आए, और साथ साथ जो 2 लाख के टीचर के पद खाली पड़े हैं, कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा मध्य प्रदेश, इसको तत्काल भरे, और संविदा शिक्षक बंद करें, ये प्रथा बंद करें, गेस्ट अतिथि से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, परमानेंट टीचर भर्ती करिए, यहाँ पर भी पढ़ाई पर भी खर्च करेंगे, तब आने देश हमारा प्रदेश रोजगार में बढ़ेगा, टीचर के बढ़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सबसे ज्यादा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर एमपीपीएससी जैसे बहुत ज्यादा भविष्य को उम्मीदें और भविष्य को मजबूत बनाने वाले संस्थान हो, अगर यहां पर भी दिक्कतें होंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि देश की और प्रदेश की नींव को लेकर के सवाल उठेंगे। लेकिन कोर्ट की पेचीदगियों में जिस तरह से यह मामला फंस रहा है, अब समझ में आ रहा है कि यह कोर्ट की पेचीदगियां नहीं लेकिन कहीं ना कहीं सियासी भी कारण इसमें रहे हैं, कभी चुनाव, कभी कोरोना, कभी दूसरी वजह, युवा वहीं खड़ा है और अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना हो।
ऐसी हम उम्मीद करते हैं। गोविंद मालू जी आपका शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका शुक्रिया, और रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, दिनेश चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार। जय जय महतारी, जय जय महतारी।